नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता रामनानी, नेत्र रोग विशेषज्ञ। आज हम जानेंगे एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन क्या होता है। ये एक उम्र के साथ में बढ़ने वाली बीमारी है और जैसे कि इसका नाम है एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन, यानी कि ये मैक्युला जो आंख की रेटिना का सबसे सेंसिटिव एरिया होता है उसके ऊपर धब्बों की बीमारी है। इसमें मरीज को धीरे धीरे सेंटर वाले हिस्से में कम दिखने लगता है और उसको पढ़ने में, बारीक चीज़ें देखने में, गाड़ी चलाने में और चेहरे पहचानने में तकलीफ होती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये 8.7% अंधत्व के लिए जिम्मेदार है और ये एक तरीके की इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, जिसमें कि हम बीमारी की रोकथाम तो कर सकते हैं लेकिन आई हुई बीमारी की वजह से रोशनी कम अगर हो गई है तो उसको हम वापस बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर हम ओवरऑल पेशेंट्स की बात करें तो 3 मिलियन पेशेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो इस बीमारी से पीड़ित हैं और 2020 के आकलन के हिसाब से ये बढ़कर 6 मिलियन हो जाएंगे। इसका इंसिडेंस 80 साल से छोटे लोगों में करीबन 4% होता है लेकिन 80 साल से ज़्यादा वाले उम्र में ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और 12% तक इंसिडेंस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे उम्र के हिसाब से कुछ हार्मोनल चेंजेस हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं जिनकी उम्र ज़्यादा बढ़ रही है। आजकल हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो हमें बहुत ज़्यादा बड़े लोग देखने को एज वाले मिल रहे हैं और अगर उनमें कोई एडिक्शन है तो स्मोकिंग की वजह से और अल्कोहलिज्म की वजह से और ग्रीन वेजिटेबल्स और डाइट की कमी की वजह से ये बीमारी जल्दी तेज़ी से बढ़ सकती है। इसमें मरीज को रेगुलर आई टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। कई बार पेशेंट इस बीमारी के अर्ली स्टेज में डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाता है और जब उसका अचानक से एक दिन सेंट्रल विज़न यानी बीच वाला विज़न कम हो जाता है तब वो मरीज डॉक्टर के पास आता है। उस समय तक शायद देर हो जाती है। अगर हम एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन की बात करें तो 2 वेराइटी के होते हैं, एक ड्राई वेराइटी जो लगभग 80% लोगों में जिम्मेदार होती है और एक वेट वेराइटी जो 10% लोगों में ही लकीली होती है। वेट वेराइटी ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसमें कमज़ोर खून की नलकियाँ बनती है और वो कई बार फटके और पेशेंट को सेंटर वाले हिस्से यानी मैक्युला में हेमरेज खून का धब्बा आ जाता है और अचानक से पेशेंट को दिखना बंद हो जाता है। इस केस में डॉक्टर आपकी एंजियोग्राफी करके आपको कुछ इंजेक्शंस की सलाह दे सकता है। ये जो इंजेक्शंस होते हैं एंटी वेजिव इंजेक्शंस कहलाते हैं और ये मंथली इंजेक्शंस दिए जाते हैं और कुछ मरीजों में 3 या उससे भी ज़्यादा इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे मरीजों को अपनी रेगुलर आई टेस्ट करके अपनी रोशनी को बचाना रहता है वरना उनका सेंट्रल विज़न हमेशा के लिए चला जाता है क्योंकि उसमें एक स्कार बन जाता है। अब अगर पेशेंट इससे प्रिवेंशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा इस तरीके की बीमारी से ज़्यादा रोशनी कम नहीं हो, तो उनको एक स्वस्थ जीवन शैली जीनी रहेगी जिसमें एंटी ऑक्सीडेंट यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का बहुत रोल है और रेगुलर आई टेस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंस है क्योंकि इस बीमारी की समय रहते रोकथाम की जा सकती है। साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद भी कुछ ऐसे मरीज हैं जो बेचारे अपना नॉर्मल जीवन नहीं जी पाते क्योंकि उनके सेंट्रल विज़न में बहुत बड़ा एक एज रिलेटेड मैक्युलर धब्बा होता है और ऐसे मरीजों के लिए फिर हमें लो विज़न एड का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या होते हैं ये लो विज़न एड, जानें मेरे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।